हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, तो आए हो बच्चे हो गए। तो गाइज आज का वीडियो देख कर और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे गाइज मेरे स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, मैं जो है पबजी खेल रहा हूँ और ये जो है मैं कोई भी किसी भी तरीके से प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ईयरफोन हो गया या फिर कोई भी, मैं जो है डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो है ये सब कर रहा हूँ। और गाइज आप लोगों को भी करना है, आपके पास भी Redmi Note 5 Pro है तो आप ये वीडियो एंड तक का देख लीजिएगा। और गाइज Redmi का कोई भी फ़ोन होगा तो भी चलेगा, सिर्फ आप लोगों को मैं बता दूँ Redmi के फ़ोन में किन किन डिवाइस में ये वर्क करेगा, मैं सभी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो है स्टेबल वर्जन जो है Redmi Note 5 Pro के लिए एक लॉन्च हुआ था, जो कि था 10.2.1.0। तो गाइज इस अपडेट में जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक सिस्टम आ चुकी है, जो कि आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है डायरेक्टली जो है सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी, जैसे गेम का हो गया या फिर आप यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हो, तो आप जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करोगे बाहर का आवाज़ जो है वो कैप्चर नहीं करेगा, सीधा अंदर ऑटोमेटिकली जो है उसका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो डायरेक्टली चलिए मैं आप लोगों को मेरे Redmi Note 5 Pro के स्क्रीन पर जाकर बता देता हूँ कि ये सब कैसे करना है और कौन सा अपडेट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं मेरे फ़ोन Redmi Note 5 Pro है, तो मैं यहाँ सेटिंग में जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फ़िलहाल मैं कौन से वर्जन पर हूँ अपडेट। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो है MIUI 10.2.1.0 स्टेबल वर्जन, जो कि हाल ही में ही अभी जो है आ चुका है और सभी Redmi के फ़ोन में, Redmi Note 5 Pro के फ़ोन में जो है मिल जाएगा। तो गाइज आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट Xiaomi के डिवाइस में होता है, आप लोगों को उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है, यानी कि इसे ओपन कर लेना है। तो मैं डायरेक्टली इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यह जो सभी गेम्स जो है मैंने PUBG के यहाँ से ही रिकॉर्ड किए थी। तो फिलहाल सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ साउंड सोर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ देख सकते हैं सिस्टम साउंड्स। जी हाँ दोस्तों, पहले ये डिसेबल था, यानी कि आप इसे यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है ये ऑन कर दिया गया है इस अपडेट में, जो कि मुझे लगता है ये चाइना के होने की वजह से जो है ये सब आ चुका है। अब आप जो है कोई भी गेम प्ले करते हो तो आप जो है सिस्टम साउंड जो है रिकॉर्ड कर सकोगे। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है चाइना में जो है ये सिस्टम आ गई थी, तो इसकी वजह से जो है लगता है हमें भी ये दे दी गई है, जैसे कि गूगल अलाउ नहीं करता था हमें पहले कि आपके फ़ोन में जो है सिस्टम साउंड रिकॉर्ड हो, लेकिन पता नहीं यार कैसे आ चुका है, मुझे जैसे ही पता चला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज फिलहाल गेम एंजॉय कर लीजिएगा, मैंने जो है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड होता है इसका सिस्टम साउंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये गेम एंजॉय करिएगा, थोड़ी बहुत है, बाय बाय।